अन्य जिला परिषद की कुछ स्कूलों की ओर सरकार की लगातार अनदेखी होने के कारण अनेक शालाएं बंद होने की कगार पर है। शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीण विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, जिसे देखते हुए शासन को तत्काल शिक्षक भर्ती कर जितनी कक्षाएं उतने शिक्षक हर शाला में उपलब्ध कराने चाहिए। शालाओं की भौतिक सुविधाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को फिर से काम पर लेने संबंधी परिपत्रक तत्काल रद्द कर सुशिक्षित पात्र धारक युवा उम्मीदवारों को न्याय दिए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय सरपंच परिषद की ओर से 12 जुलाई को जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटिल को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित अपनी मांगों का निवेदन सौंपा गया। निवेदन में कहा गया है कि जिला परिषद में स्कूलों की काफी कमी है। जिले में पहली से चौथी कक्षा तक की अनेक ऐसी स्कूलें हैं जहाँ केवल एक ही शिक्षक उपलब्ध है। बदली प्रक्रिया के बाद कुछ स्कूल बिना शिक्षकों की रह गई है, जिसे देखते हुए पालकों ने कुछ स्थानों पर शाला के पहले दिन ही शाला को ताला लगा दिया है। राज्य में अनेक योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण विषय की ओर अनदेखी की जा रही है। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो भविष्य में जिला परिषद की शालाएं पूरी तरह बंद हो जाएगी। इन्हें बचाने के लिए तत्काल शिक्षक भर्ती कर हर शाला को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ऐसा न होने पर अखिल भारतीय सरपंच परिषद साथ ही सरपंच परिषद जल्द ही शाला समितियों, पालकों एवं नागरिकों को साथ लेकर जन आंदोलन करेगी। निवेदन देते समय सरपंच परिषद के जिलाध्यक्ष चंद्र कुमार बहेकार, सचिव हेमलता चौहान, महिला जिलाध्यक्ष वर्षा पटले सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।